ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਰ ਪੱਟਦਾ। हे व्हाट्सअप गाइस, दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके इस चैनल चेक चो कैटिंग में। दोस्तों जो वीडियो अपने स्टार्टिंग में देखिए, वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा इसका ट्यूटोरियल डाल दूँ क्योंकि ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। दोस्तों माफ़ी कर देना, इतने दिन से वीडियो नहीं आई, थोड़ा मैं बिजी था, परंतु अब इस पर रेगुलर वीडियो आएंगे। दोस्तों अगर इसलिए चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस कर देना नोटिफिकेशन बेल, तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों वीडियो बनाने के लिए सिंपली दो एप्लीकेशन की हमको जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों एक का नाम है काइन मास्टर और दूसरे का नाम है बैकग्राउंड इरेजर। दोस्तों इसको आपको दोनों को डाउनलोड कर लेना दोस्तों। उसके बाद वीडियो एडिट करने वाले हम काइन मास्टर एप्लीकेशन में, इसलिए हम अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन को ओपन करने में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा दोस्तों। उसके बाद आपको सेंटर वाला रेशियो सेलेक्ट करना 9.16 वाला, क्योंकि हम यही टिकटॉक पर अपलोड करते हैं दोस्तों। इतना करने बाद दोस्तों आपको एक मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा। दोस्तों मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी वीडियो को यहाँ से लेके आ जाना है। दोस्तों कौन सी वीडियो को लेके आना है, जो आपको शूट करनी पड़ेगी। तो किस तरह से वीडियो आपको शूट करनी है, तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो दिखा देता हूँ एक बार प्ले करके दोस्तों। दोस्तों कुछ आपको इस तरह से वीडियो शूट कर लेनी है। दोस्तों वीडियो बनाते वक्त ध्यान रखना आपका फ़ोन हिले नहीं। दोस्तों कुछ इस तरह से आपको 15 सेकंड तक ऐसे बैठे रहना है बिना हिले। तो कुछ इस तरह से बैठ जाना, उसके बाद कुछ इस तरह से एक्टिंग करना कि यहाँ से खड़े होना है। दोस्तों यहाँ से आपको थोड़ी देर बैठ के कुछ इस तरह से फिर आपको एक्टिंग करनी है कि खड़े होकर। दोस्तों आपको एक्टिंग बहुत अच्छी तरह करनी है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको सिखाने के लिए एक्टिंग की है, तो आपको अच्छी तरह से करना है। फ़ोन हिलना नहीं चाहिए, यहाँ पे मेरा हिल गया। तो दोस्तों आपको उसके बाद करना क्या होगा, दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है। दोस्तों इतना आने के बाद यहाँ पर आपको वीडियो कट कर देनी है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको जहाँ पे आप खड़े होते हैं यहीं पे आपको एक क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको एक सीजर का ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों। इस सीजर के ऑप्शन पर क्लिक करना और वीडियो को यहाँ से दो भागों में बांट देना है दोस्तों। आप देख सकते हैं थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। इतना करने के बाद दोस्तों करना क्या होगा, इस वीडियो पर आपको क्लिक करना है दोस्तों, इसी वीडियो पर। उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट दिख रही होंगी दोस्तों, इस पर क्लिक करना होगा दोस्तों। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा डुप्लीकेट और स्लेयर का। दोस्तों इस पर क्लिक करना होगा दोस्तों। इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी दो वीडियो बन गई हैं दोस्तों। दोस्तों आपको करना है क्या, इसको क्लिक करके इसको अपनी आगे वाली वीडियो की ओर ले जाना है दोस्तों। हम इस पर प्रेस करके इसको आगे की ओर ले जाते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं जा रही है, इसको सारा ले जाना है दोस्तों। दोस्तों अब आपको करना है क्या दोस्तों, ये वीडियो हमारे कोई काम की नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये वाली वीडियो हमारे कोई काम की नहीं, इसलिए इसको डिलीट कर देना है। इस पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देना है दोस्तों। दोस्तों हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं और इसको हम आगे ले जाते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों आपको करना क्या होगा दोस्तों, जो आपकी वीडियो स्टार्टिंग थी इस पर क्लिक करना होगा दोस्तों। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है दोस्तों। कहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, डिलीट के ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, इस पर क्लिक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा दोस्तों। फर्स्ट वाले पर क्लिक करके इसका इंटरफेस ले लेना है स्क्रीनशॉट। तो इसको क्लिक करके ये गैलरी में सेव हो गया दोस्तों। दोस्तों आपको करना है कि जो हम नीचे वाली वीडियो है इसको बराबर लेके आ जाना है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करना होगा दोस्तों। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको सीजर के साथ एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। इस पर क्लिक करना है दोस्तों। इसको क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन की ओर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन पर सेट कर देना है दोस्तों। हम यहाँ से कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों आप करना क्या होगा दोस्तों, फुल स्क्रीन पर सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। इस अल्फा का लिखा होगा दोस्तों, इस पर क्लिक करना होगा दोस्तों। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसको यहाँ से 50 पर सिलेक्ट कर देना है दोस्तों। दोस्तों अब मैं आपको एक बार वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह से आपकी वीडियो बनने वाली है दोस्तों। दोस्तों आपकी कुछ वीडियो इस तरह से बनने वाली है। तो यहाँ तो हमारी वीडियो ख़त्म हो जाती है, मैं यहाँ से इसको क्रॉप कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करके मेरी वीडियो 11 सेकंड की बनानी है, आप जितनी मर्जी बनाएं उतनी बना सकते हैं। इस पर क्लिक करके मेरी 11 सेकंड की बन गया दोस्तों। आप देख सकते हैं फिर ये भी हमारा कुछ लाइट लाइट दिख रहा है दोस्तों। इसको डार्क करने के लिए करना क्या होगा दोस्तों, जो हमने स्क्रीन शॉट लिया उसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, अब आ जाना आपको दूसरे वाले एप्लीकेशन बैकग्राउंड इरेजर में। दोस्तों यहाँ पर आपको उस फोटो को लेके आ जाना जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था। तो हम जाके लेके आ जाते हैं दोस्तों। दोस्तों कुछ यही वाला हमने कैप्चर किया था दोस्तों। आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर इसको कट करना है। तो किस तरह से कट करना है, सबसे पहले मैनुअल पर क्लिक कर देना नीचे दोस्तों। मैनुअल पर क्लिक करके यहाँ से इसको यहाँ से फुल कर देना दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद इसको यहाँ से क्रॉप कर देना दोस्तों सारा, कि आपका बंदा दिखे, बाकी सारा बैकग्राउंड इरेज कर देना। तो हम यहाँ से फटाफट कर लेते हैं।
दोस्तों इसको आप जूम भी कर सकते हैं। इसको जूम करने के बाद यहाँ से मैजिक का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों नीचे। अब दोस्तों अब आसानी से आप इसको कर सकते हैं दोस्तों यहाँ से। दोस्तों मैं फटाफट आपको करके दिखा देता हूँ दोस्तों 2 मिनट में। दोस्तों कुछ इस तरह से सारी वीडियो को कट करने के बाद सिंपली आपको डन के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको अपनी गैलरी में सेव कर देना है दोस्तों। गैलरी में सेव होने के बाद दोबारा से अपने काइन मास्टर में वापस आ जाना है दोस्तों। दोस्तों काइन मास्टर में आने के बाद सिंपली यहाँ पर दोस्तों लेयर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा दोस्तों। लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके उसी फोटो को लेके आना है जो भी हमने कट किया दोस्तों, मतलब इरेज किया दोस्तों। हम इसको यहाँ से ले आते हैं। इसको ले आने के बाद सिंपली सबसे पहले आप देख सकते हैं सीजर के साथ वाले ऑप्शन पर जाना है दोस्तों। इस पर जाने के बाद इसको फुल स्क्रीन पर सेट कर देना दोस्तों ऑफ के साथ वाले पर। इस पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सारी स्क्रीन के बराबर हो जाएगा दोस्तों। और इसको यहाँ से नीचे से बड़ा कर देना अपनी वीडियो के बराबर यहाँ तक। तो हम इसको घसीट के यहाँ से इसको बड़ा कर देते हैं दोस्तों इस तरह से। दोस्तों मैं आपको एक बार वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ दोस्तों कि हमारी वीडियो कैसे बनी है दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी वीडियो बन चुकी है दोस्तों। एक्टिंग के हिसाब से करना पड़ता है कि मेरी एक्टिंग कैसे थी दोस्तों। अगर आपको ये कम लग रहा है दोस्तों, जैसे कि ये वाली एप्पमा आपको कम लग रही है, तो आप इसको कम या घटा बढ़ा भी सकते हैं दोस्तों। आपको एफिलिएट के ऑप्शन पर जाना होगा दोस्तों, ये वाले वाले पर। इस पर क्लिक करके आप इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं दोस्तों इसको। तो आपको जितना आपको सही लगे उतना कर देना दोस्तों। मेरे को ये सही कर लग रहा है, तो इतना करने में सिंपली शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको अपनी गैलरी में सेव कर लेना एक्सपोर्ट पर क्लिक करके दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि हम अगली वीडियो और भी अच्छी लेके आएँ और जल्दी लेके आएँ दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।